सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जापान के बहुत ज्यादा फेमस टॉक शो में ये बात बोली है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, चाइना नहीं। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात करूंगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। क्या? और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? जिस कलमे के सर पे हम जी रहे हैं और दुनिया में जो मर्जी हम मेरी तरफ से सुपर पावर बने, जो मर्जी बने, पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। आर यू कॉमेडी? और पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर ताकत बनेगा इंशाल्लाह ताला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जापान एक छोटा सा देश लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में बहुत आगे, बहुत एडवांस, और उसको ये बात प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। शाबाश बेटा। तो जापान ने भारत के लिए ये कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत एक सुपर पावर बन के उभरेगा। क्या बात है। ये मामला भारत और जापान का है लेकिन चुरुने काट रहे हमारे पड़ोसी मुल्क वालों को। नहीं, ये पाकिस्तानी पत्रकार अपनी आवाम के अंदर ये जानने के लिए निकले कि भारत क्या वाकई में सुपर पावर बन सकता है। हाँ भाई हाँ। क्या भारत में काबिलियत है? हाँ भाई हाँ। क्या जापान जो बोल रहा है वो सच है? हाँ भाई हाँ। और आप सब समझदार है, पाकिस्तान की आवाम का क्या आंसर हो सकते हैं? हाँ भाई हाँ। और वो आंसर आपका और मेरा करेंगे मनोरंजन। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। क्योंकि पाकिस्तानी अब किसी काम के नहीं रहे, अब वो सिर्फ मनोरंजन के लिए रह गए। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी अकेले नहीं देखेंगे, मैं भी आपके साथ एंजॉय करूंगा। जापान के मीडिया ने ये क्लेम किया कि इंडिया गोइंग टू बी नेक्स्ट सुपर पावर, इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इंडिया बन सकता है नेक्स्ट सुपर पावर? इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर नहीं बनेगा, चाइना बनेगा नेक्स्ट सुपर पावर। कौन है ये लोग? किस तरह से? उसकी इकॉनमी मजबूत है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चाइना की इकॉनमी मजबूत है जी। किस तरह से? अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको कि चाइना के अंदर जीरो लॉकडाउन चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जितने भी बड़ी कंपनियों ने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो उस जीरो लॉकडाउन की वजह से निकलकर इंडिया के अंदर जा रही हैं सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या समझती हैं आप, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता? ये जो पत्रकार है ये सवाल क्या पूछ रहा, पहले तो ये देखिए आप। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जितने भी बड़ी कंपनियों ने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो उस जीरो लॉकडाउन की वजह से निकलकर इंडिया के अंदर जा रही हैं। जिन्होंने इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी जीरो लॉकडाउन की वजह से, वो वापस इंडिया जा रही है। भाई बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाह रहे हो, पूछना क्या चाह रहे हो, किसी को तो समझ में आए? सामने जो लेडी खड़ी है उसको भी कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्होंने चाइना का घंटा बजाना। क्या समझती हैं आप, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता? ये एक फेक न्यूज है। फेक न्यूज है? बिल्कुल फेक न्यूज है। बिल्कुल फेक न्यूज है भैया, फेक न्यूज है ये, बिल्कुल फेक न्यूज है, बिल्कुल फेक न्यूज है। फैक्ट चेक वालों ने चेक किया है, ये फेक न्यूज है, ये एक फेक न्यूज है। इंडिया बनेगा सुपर पावर, फेक न्यूज चला रहे हो इंडिया वालों। सही न्यूज क्या है? सही न्यूज ये है कि चाइना इज पावरफुल, नेक्स्ट चाइना ही सुपर पावर बनेगी। ये चाइना का ही घंटा बजाते रहेंगे बस। सही, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता, चाइना ही बनेगा। यस। लिहाजा खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। प्रेडिक्ट किया कि इंडिया गोइंग टू बी अ नेक्स्ट सुपर पावर, क्या कहना चाहेंगे आप, उसने ऐसा क्यों बयान दिएंगे? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज इंडिया के अंदर ऑलरेडी पहले इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं,
एक तो उधर जो अब रिसेंटली इशू है जो उन्होंने हजूर पाक सलाम की शान में गुस्ताखी की है वहाँ मुजहरे हो रहे हैं। इसके अलावा जो सिख हैं उनकी खालिस्तान की तहरीक चल रही है, आप देखें यूके में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है, वो एक अलग तरह, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी किसी और तरफ है, उनके अंदर पहले भी मेरे ख्याल में इंडिया विल बी स्प्लिट इन टू टू। जो खालिस मदरसे छाप होते हैं, जो पैदा होते हैं मदरसे में छोड़ दिए जाते हैं, ये भाई साहब उनमें से एक है। और नहीं तो क्या, एक खालिस्तान अलग हो जाएगा और बाकी इंडिया अलग हो जाएगा इंशाल्लाह। आई डोंट थिंक सो, पाकिस्तान विल बी द सुपर पावर इंशाल्लाह वेरी सून। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग, बता तो क्या पी के आया है। इनको बोला जाता है पढ़े लिखे मदरसे छाप। पाकिस्तान कैसे सुपर पावर बन सकता सर, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है इस मुल्क में। डॉलर देख ले डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है इस टाइम इतने बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो नेक्स्ट फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर यही हालात चलते रहे मुल्क के। तो सर ये हम जब से पैदा हुए हैं ऐसे सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में जब से पैदा हुआ मैंने नहीं देखा कि सुना कि पाकिस्तान स्टेबल कंडीशन में है एज ए पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब इंशाल्लाह इमरान खान की क्यादत में इंशाल्लाह होपफुल वो दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह 2030 तक यू विल सी इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी स्टेबल। सर इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर? इंडिया के अंदर असल में जब से मोदी सरकार आई है ना इंडिया में, तब से इंडिया का वो जेस्चर रह नहीं गया। किस तरह के, किस लिहाज से कह रहे हैं हम? एक तो जो उनके मुस्लिम कुछ फसादात हैं, मुसलमानों को बिल्कुल वो कुचल रहे हैं, मुसलमानों के उस पर मस्जिद पे हमले कर रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, अगर आपको अपने इंडियन मुसलमान भाइयों से इतना ही प्रेम है तो आप इन सबको अपने पास बुलाइए, इनको रिक्वेस्ट कीजिए आपके वह जुल्म हो रहा है आप हमारे देश में आ जाइए, एक भी मुसलमान नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, ये तो शुरू से चलता नहीं आ रहा कि जैसे कि अगर हम बात करें तो शुरू से जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ है, इंडिया से पाकिस्तान जब से जुदा हुआ है तब से ये हमारे बीच में लगता आ रहा कि वहाँ पर ये हो रहा है कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, तो ये शुरू से नहीं चलता आ रहा। सर वो था लेकिन वो गुजरात तक था या जहाँ मुस्लिम इलाके ज़्यादा थे वहाँ पर था, अब ये फसाद थ्रू आउट द कंट्री फैल चुके हैं, अब ये ऐसे समझ लें वर्ल्ड वाइड तक हो गया है। शिक्षा थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा क्या मुसलमानों की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे हैं मुसलमानों से हिंदू लोग, शिक्षा के मैटर 100 साल तनी मनी की बात नहीं कर। तो उसने देखा कि भाई हिंदू को अगर हम आगे करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सक्सेस, मुसलमान को आगे करने लायक है क्योंकि इस सब में अभी उतना शिक्षा नहीं है, तुरंत आग बबूला हो जाएगा सब। ये नहीं देखेगा सब कि ना हमारे घर में कोई अधिकारी है, ना हमारे घर में कोई पुलिस है, ना अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारे पास हथियार है, ना हमारा घर है बढ़िया सा, कुछ नहीं। जहां कुछ हुआ लुंगी टाइट करेगा अल्लाहू अकबर, लुंगी में आग लग जाएगा तोरे। अब यहां से खेल शुरू होता है आपका, अब आपको दो काम करने हैं, दो चार कमेंट करने हैं धन धनाते हुए, एक बंदे को दो चार कमेंट, और दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपको शेयर करना। इन जाहिलों को जहां तक जलील कर सकते हो आप, एक शेयर कहीं भी कर दीजिए आप। इंस्टाग्राम है आपके भाई का, लिंक मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, देख लेना एक बार, देख लेना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।